चाइना बॉलीवुड की फिल्मों के लिए एक बड़ा मार्केट बना हुआ है और अभी हाल ही में आमिर खान की जब सीक्रेट सुपरस्टार रिलीज हुई तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में ताबड़तोड़ कमाई की। साथ ही सलमान, शाहरुख और आमिर के बाद अक्षय का भी जलवा चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अजय देवगन भी अब चाइना में दस्तक देने जा रहे हैं। जी हां, मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बताया गया है कि अजय देवगन की मच एंटिसिपेटेड फिल्म रेड भी चाइना में दस्तक देने जा रही। हालांकि अभी तक रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है इस साल 2019 के शुरुआती महीनों में इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे, रेड फिल्म को करप्शन के मुद्दे पर बनाया गया था और ये एक सच्ची घटना पर आधारित थी जिसमें अजय देवगन ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। साथ ही इलियाना डी क्रूज का भी काफी अहम रोल था।